इवेंट के लिए कि हाउ यू आर फीलिंग इन द टीम प्लीज मैम। हेलो, इतनी कम ऑडियंस के बाद इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट मैंने पहली बार देखा है। मेरे को 20 ईयर्स हो गए लेकिन अबाउट एट लीस्ट 50 के अराउंड क्राउड होने के बाद इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट और जितने भी बच्चों ने प्रेजेंटेशन दी उनने कई फिर से टैलेंटेड लगे मेरे को। मैं उनके पेरेंट्स से कहना चाहूँगी अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो यू शुड टेक हिम टू दैट लाइन ऑफ ओनली। जरूरी नहीं है कि इंजीनियर एंड डॉक्टर्स दे आर द बेस्ट, अगर उसमें टैलेंट है तो आप उसको आगे बढ़ाइए। मेरे से बाहर के फॉरेनर्स आके सीखते और वो यहाँ का डांस जो मैं करती हूँ वो वहाँ पर सिखा रहे हैं। तो जब बाहर के फॉरेनर्स अपना कल्चर वहाँ दिखा रहे तब उनके लिए इसको आगे बढ़ो। आज वेस्टर्न भी देखा मैंने, बॉलीवुड, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल सब कुछ देखा। मैं यही कहना चाहूँगी अगले साल और भी ज़्यादा एंट्रीज आए। आप इस लाइन में भी काफ़ी स्कोप है। ऑल द जजेस आर वेरी गुड कोरियोग्राफर्स, इतने सालों से ये किसी लाइन में आई एम ऑल्सो इन दिस लाइन, तो हम भी अपने प्रोफेशन चला रहे, थोड़ा बहुत नाम हमारा भी है, तो इसमें भी आप अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड लाइन, योर चाइल्ड शुड बी लुक लाइक अ स्पेशल टैलेंटेड चाइल्ड, दैट्स इट। हमने अभी अभी आपका लाइव परफॉर्मेंस देखा है और मैम ये जो इतनी अच्छी बैलेंसिंग आप करते हो मैम इसके पीछे एक ट्रिक, मतलब एक ट्रिक क्या है, एक छोटा सा ट्रिक देंगे क्योंकि मैं तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी इतना बैलेंस नहीं कर पाता हूँ जितना कि आप जितना अच्छा बैलेंस आप करते हैं, तो प्लीज़ एक ट्रिक है वो है रियाज। आप जितना ज़्यादा स्ट्रिक को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका बैलेंस और बनेगा। Thank you so much, ma'am. It was so valuable. So valuable words for us. So guys, ye thi international artist Nishtha Agarwal.